हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग फिर से एक और फ्री फायर का न्यू मैच लेके आ चुके हैं और हम लोग फ्री फायर खेलने वाले हैं फिर से। पर फ्री फायर आज मैं नहीं खेलूँगा, हमारे पास है एक बहुत ही पुराने ज़माने के आदमी जिनका नाम है महाराज जी। तो आज महाराज जी खेलेंगे फ्री फायर। तो चलिए बिना देरी किए महाराज जी को बुलाते हैं और हम लोग चलते हैं आराम करने, मतलब मैं चलता हूँ आराम करें, आप लोग वीडियो देखिए। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का इस खेल जगत के एक निराले खेल में जिसका नाम है मुफ्त की आग। जी हाँ दोस्तों, मुफ्त की आग ये कौन सा खेल है भाई? इसका नाम फ्री फायर है, मुफ्त की आग नहीं। तो दोस्तों फ्री फायर का मतलब मुफ्त की आग ही तो होती है। फ्री मतलब मुफ्त और फायर मतलब आग। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपना खेल और सारा ध्यान केंद्रित करते हैं अपने खेल पे। तो हमें इसमें बहुत सारे क्रूर व्यक्ति और मानव को, दुष्ट मानव को मारना है। तो हम अपना प्रतिकार लेने के लिए तैयार हैं। तो हमारे पीछे ही क्रूर मानव है जिसको हम लोग मारेंगे। इस क्रूर मानव को मारने में मुझे तनिक भी दया नहीं आई। और भी क्रूर मानव मुझे मिलेंगे तो मैं उन्हें भी मार दूंगा, क्योंकि जब तक मैं इन्हें मारूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा, जीतूंगा नहीं। तो एक और क्रूर मानव मिला मुझे और मैंने इसको भी मार डाला। तो हे प्रभु मुझे माफ करना, क्योंकि मैं इतने मानव को मारने का पाप अपने ऊपर नहीं ले सकता हूँ। तो चलिए देखते हैं कहाँ हैं और मानव। हमें मानव चाहिए बहुत ही शीघ्र। मुझे जितने ही क्रूर मानव और निर्दयी दानवों को मारेंगे तो हमें उतने ही ज़्यादा मिलेंगे। तो ये कीड़ा इसको भी मार देते हैं। और ये हमारे साथी हैं जिसे लोग कहते हैं टीम में, मतलब उस जमाने के लोग करते हैं। हम हैं महाराज, तो हमें ये सब कहने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ क्रूर मानव चाहिए। और हमारा एक साथी मर चुका है और यहाँ पे एक और क्रूर मानव आया और मैंने उसे मार डाला। तो अभी तक कुल हम लोग 4 मानव को मार चुके हैं और जितने भी मानव आएंगे हमारे सामने हमारा सामना नहीं कर पाएंगे। क्रूर मानव हमारे सामने प्रकट हो जल्दी से। तो यहाँ पे बहुत सारे मानव थे लेकिन हमें मिल नहीं पा रहे हैं। तो हम लोग चलते हैं इस रेल पटरी यंत्र से। ये रेल पटरी यंत्र से हम लोग जा रहे थे लेकिन हमारे समक्ष और दुष्ट मानव आ चुका है। तो हम उस मानव को ख़त्म करेंगे, इस सृष्टि का विनाश होने से बचाएंगे। और भी मानव हैं यहाँ पे, तो सारे मानव को हम ख़त्म करेंगे। तो दोस्तों आप सभी का साथ बना रहे तो इसीलिए आप लोग हमारे साथ बने रहे। देखिए कितने सारे मानव हैं हमारे समक्ष। हम सारे मानवों को एक एक करके मार डालेंगे और प्रभु हमें बचाएंगे। प्रभु हमें क्षमा करे, हमने अभी तक 7 मानवों को मार चुके हैं। तो बस हमें मानवों को मारते जाना है। तो दोस्तों हम अपना परिचय देना भूल ही गए। हम हैं महाराज जी, सन 1400 ईस्वी से आए हुए हैं पृथ्वी पर सन 2021 में। तो हम जैसे ही इस धरती पे प्रकट हुए हमारे समक्ष ये मानव आए जिनका नाम था RDX गेमिंग। तो ये मानव ने हमें रहने के लिए आसन दिया, एक आश्रय दिया जिसमें हम लोग अभी ठहरे हुए हैं। तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस चैनल पर जल्दी से जल्दी व्यूज़ और सब्सक्राइबर को बढ़ा दे ताकि ये चैनल चल जाए।
तो हमें ये सब के बारे में पता नहीं है। हमें RDX भाई ने बोला कि आप ऐसे बोल दो, तो हमने बोल दिया। इसी समक्ष हमारे समक्ष एक और मानव आ चुका है, तो इसे हम लोग इस यंत्र से दे चुके हैं जबरदस्त वाला मस्तिष्क चाप। तो चलिए, मस्तिष्क चाप देने में बहुत ही आनंद आता है, और एक और मानव हमारे समक्ष आ चुका है, तो इसे भी मारेंगे और इसे भी मस्तिष्क चाप दिए बहुत ही गजब वाला। तो हमने अपना परिचय दे दिया, और अब देखते जाइए आगे क्या होता है इस खेल में। इस खेल का नाम है दोस्तों मुफ्त की आग। तो बस देखते जाइए दोस्तों, हमारे ज़माने में ये सब खेल नहीं खेला जाता। तो यहाँ पर मस्तिष्क चाप देने के लिए हम तैयार बैठे हुए हैं, लेकिन जो हमारे साथी थे वो उसे मार चुके हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। अभी तक कुल 9 मानवों को हम लोग मारने में सक्षम हो चुके हैं, और अभी 14 मानव और बचे हैं। इन 14 मानवों को मार देंगे तो बहुत ही आनंद मिलेगा हमें। तो यहाँ पे कोई मानव आ चुका है, यहाँ पे एक और मानव है, तो इसे हम लोग गिरा चुके हैं, धराशायी कर चुके हैं इस मानव को, और इस मानव को भी हम लोग धराशायी कर देंगे। तो सारे मानव यहाँ पे धराशायी हो चुके हैं, और ये जो है ना, ये दुर्गम क्षेत्र हमारे बहुत ही निकट आ रहा है, इसीलिए हमें यहाँ से बहुत ही दूर चले जाना चाहिए। और एक और मानव ऊपर की ओर भाग रहा था दुर्गम क्षेत्र से, तो हम उस मानव को भी देख चुके थे और उसे भी हम लोग मार चुके हैं। तो हम लोग अभी तक 13 मानवों को मृत्यु लोग पहुँचा चुके हैं। तो ये वाहन लेके आ चुके हैं हमारे साथी, और हम उस वाहन पे बैठ चुके हैं और निकल पड़े हैं हम अपने साथी के साथ। तो आगे में देखते हैं हमारे साथ कोई मानव मिल जाता है, क्या ये वाहन उस मानव को मार देगा। तो हम उतर चुके हैं उस वाहन से और चलते हैं सीधे मानव को खोजने। खोज जारी रखना चाहिए, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा मानवों को मारना है। हमें बता चुके हैं RDX भाई कि यहाँ पे जितने मानवों को आप मारोगे उतना ज़्यादा शक्ति आप में आएगी। तो इस खेल को खेलने के बाद मुझे बहुत ही सुकून प्राप्ति हो रही है। इसी बीच एक और मानव मुझे दिखा, पर वो मानव मेरा ही साथी था, तो मैं उसे मार नहीं सकता। तो मैं आया हूँ 1400 ईस्वी पूर्व से, तो वहाँ पे कोई मानव ऐसा खेल नहीं खेलता, तो ये मुझे बहुत ही नया खेल लगा। और एक और मानव मुझे मिला, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा चालाक मानव था। अपने आगे एक अजीब सा कुछ बना लिया, और एक पीछे मानव था उसको भी हम लोगों ने मार दिया, और ये मानव जा रहा था तो उसे भी मार दिया, जा नहीं रहा था, वो भाग रहा था, युद्ध का मैदान छोड़ के वो लोग भाग रहे थे। वो लोग नहीं, वो अकेला मानव था जो भाग रहा था। युद्ध का मैदान छोड़ के नहीं भागना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, हम महाराज हैं, हमें युद्ध का मैदान नहीं छोड़ना आता। तो हम लोग मार चुके हैं बहुत सारे मानव को, तो अभी तक हमने कुल 15 मानव मार चुके हैं, और अब सिर्फ एक मानव बचा हुआ है, परंतु वो मानव कहाँ है हमें कुछ पता नहीं। तो हमें जल्दी से जल्दी उस मानव को ढूंढना पड़ेगा। एक नहीं, क्षमा करें, अभी 2 मानव और बचे हुए हैं, तो दोनों मानव को ढूंढ के हमें मारना है। और ये जो दुर्गम क्षेत्र है ये भी सामने आ रहा है, तो हमें यहाँ से भागना ही पड़ेगा। तो वो मानव हमारे समक्ष आ चुका है, वो मानव
इधर ही हमारे समक्ष है, तो हम लोग उसे मार के उसके बाद एक बहुत ही आनंदमय रात गुजारेंगे। हम लोग जीत चुके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आज के लिए इतना काफ़ी है।